स्वागत आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले कि कैसे बिना किसी मोबाइल नंबर के जीमेल आईडी कैसे बनाए प्ले स्टोर पर। अक्सर हम लोग प्ले स्टोर पर आईडी कोई बनाते हैं तो हम लोगों से सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगता है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा कि मोबाइल नंबर का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। लोग ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्च बॉक्स के बगल में एक आइकन दिया हुआ है, जो आप लोग पहले से ही गूगल आईडी बना दिए हैं उसका एक आइकन दिया हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे लोग तो देख सकते हैं कि आप आईडी दिखा रहा है और इसके बगल में ही एक एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ, तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। लोग क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड अनदर अकाउंट, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। लोग ऐड अनदर अकाउंट पर, तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे लोग तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि बस एक ऑप्शन दिया हुआ है गूगल का, तो उस पर क्लिक करेंगे लोग तो वेरीफाई करने को बोलेगा, तो अपना फिंगरप्रिंट लगा लेंगे लोग सेंसर पर। वेरीफाई करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है एक नीचे क्रिएट अकाउंट, तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे लोग। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। कोई एक चूज कर लेंगे लोग, मैं नीचे वाला चूज करता हूँ टू मैनेज माई बिजनेस पर। जैसे मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग फिलअप कर लेंगे लोग जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं आईडी। तो पहले मैं फर्स्ट नेम अपना फिलअप करता हूँ और उसी के नीचे यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट नेम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग यह भी फिलअप कर लेंगे लोग। फिलअप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक कर लेंगे लोग। तो यहाँ पर फिर से आप लोग उससे कुछ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे लोग, जो भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना चाहते हैं वो, और नीचे यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल या कस्टम कोई भी एक चूज कर लेंगे लोग। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे लोग। उसके बाद आप लोगों से बोलेगा कि क्रिएट एन अकाउंट, तो यहाँ पर हम लोग एक आईडी बना लेंगे लोग जीमेल आईडी। यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपना जीमेल आईडी और यहाँ पर आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे लोग। जैसे क्लिक करेंगे लोग तो आप लोगों से एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो छोटा सा कोई एक बना लेंगे लोग, छोटा सा हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे लोग, तो यहाँ पर हम लोग का आईडी बन चुका है। अगर आप अपना मोबाइल इसी आईडी से चलाना चाहते हैं तो यस आई एम इन पर क्लिक कर देंगे लोग। उसके बाद देख सकते हैं कि आईडी यहाँ पर बन चुका है मेरा, संजय सिंह से बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे लोग। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे लोग तो आई एग्री पर सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे लोग। तो यहाँ पर हम लोग का मोबाइल जो है इसी आईडी से रन होने लगेगा। चलिए देखते हैं कि क्या मैं जो आईडी बनाया हूँ उससे रन कर रहा है कि नहीं मोबाइल। तो मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यस से एक का लोगो बना हुआ है ऊपर। मैं जो आईडी बनाया था वही आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पुराना वाला आईडी जो है उसको रिमूव करना है, या फिर आपके मोबाइल में जो पहले से ही पड़ा हुआ आईडी, किसी का आईडी जो आप लॉगिन किए हुए हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि जिसमें बताया हूँ कि कैसे कोई भी ईमेल आईडी गूगल प्ले स्टोर से कैसे रिमूव किया जाता है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।